रहे हैं। और एक तरफ कीव में अलर्ट के सायरन बजने लगे तो दूसरी तरफ मॉस्को में विक्ट्री डे परेड को लेकर चिंता जताई जाने लगी। हालांकि पुतिन के दफ्तर ने यह साफ कह दिया कि 9 मई को होने वाली रूस की विक्ट्री डे परेड पर हमले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 9 मई का दिन रूस की फौज के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन होता है, जब हर साल विक्ट्री डे परेड निकाली जाती है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। विक्ट्री डे परेड रूस में 1945 से मनाई जा रही है। सोवियत संघ की उस वक्त के नाजी जर्मनी पर जीत को याद करने के लिए रूस की फौज परेड करती है। विक्ट्री डे परेड रूस की फौज के स्वाभिमान की पहचान समझी जाती है। उससे ठीक 6 दिन पहले क्रेमलिन की छत पर उड़े ड्रोन रूस की टेंशन बढ़ाने वाले हो सकते हैं, इसलिए रूस ने फौरन मॉस्को के आसपास ड्रोन उड़ाने पर बैन लगा दिया। इसके अलावा ये भी कह दिया कि 9 मई की विक्ट्री डे की परेड के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि रूस ने साफ कहा कि वो ऐसे किसी भी हमले से नहीं डरता और इनसे निपटने के लिए भी तैयार है। लेकिन मसला केवल एक हमले का नहीं है। पिछले एक महीने में यूक्रेन की फौज की तरफ से ऐसे कई हमले किए गए जो रूस को परेशान करने वाले हैं। पिछले एक महीने से ऐसा लगने लगा कि जंग केवल यूक्रेन में नहीं बल्कि रूस में भी चल रही है। कहीं तेल के डिपो निशाना बनाए गए तो कहीं रूस की फौज के ठिकानों पर हमला हुआ। यहां तक कि न्यूज 18 ने तो पिछले हफ्ते ही बताया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इसके लिए बाकायदा रूस के पास एक ड्रोन भेजे जाने की खबर भी आई थी, लेकिन वो ड्रोन निशाने पर पहुंचने से पहले ही ढेर हो गया था। उस ड्रोन पर 17 किलो विस्फोटक लगाए जाने का दावा किया गया था। ब्रिटेन के अखबार द सन ने भी माना था कि यह हमला पुतिन को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था। और एक सोची समझी साजिश के तहत मॉस्को के करीब वो ड्रोन भेजे जाने की बात सामने आई थी। खबर यह आई कि उसी दिन पुतिन एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे और उनकी चाल को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। मतलब ये कि यूक्रेन को अच्छी तरह से पता था कि पुतिन मॉस्को में कहां हैं और क्या कर रहे हैं। द सन ने जानकारी दी कि यूक्रेन के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुद कहा कि यूक्रेन की सरकार को पुतिन की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद यूक्रेन ने अपना आत्मघाती ड्रोन रूस भेजने का चांस लिया, क्योंकि जेलेंस्की पुतिन की हत्या करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने UJ-22 से पहले भी एक खतरनाक ड्रोन वहां भेजा था, जो मॉस्को के वनुकवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उड़ता दिखा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट की एयर स्पेस ही बंद कर दी गई। कुछ ही दिन बाद पुतिन की हत्या के मंसूबे से दूसरा आत्मघाती ड्रोन रूस में घुस गया, लेकिन पुतिन तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल में क्रैश होकर गिर गया, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। मतलब ये कि पुतिन की हत्या की कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई, बल्कि माना यह जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 3 बार ऐसी कोशिश हो चुकी है। यानी पहले भी पुतिन को मारने के मकसद से यूक्रेन के ड्रोन रूस में दाखिल हो चुके हैं। और यही रूस के गुस्से की सबसे बड़ी वजह भी है। खबर है कि अमेरिका को भी यूक्रेन के मंसूबों की खबर थी और अमेरिका जानता था कि यूक्रेन की तरफ से ऐसी कोई कोशिश की जा रही है। ऐसा दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से पिछले हफ्ते भी किया गया था। दावा ये कि बाइडेन बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई हमला किया जाए। मतलब ये कि बाइडेन ने जेलेंस्की को ऐसा कोई कदम उठाने से रोका था। हालांकि इन खबरों का कोई साफ आधार पश्चिमी मीडिया की तरफ से भी नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन भी ये नहीं चाहते थे कि जेलेंस्की किसी भी तरह से पुतिन को उकसाने वाला कोई कदम उठाएं, क्योंकि अगर पुतिन ने सबसे बड़ा दांव चल दिया तो दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने में देर नहीं लगेगी, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। और अगर एक एटम बम रूस की तरफ से डाला गया तो सिर्फ यूक्रेन का अंत नहीं होगा, बल्कि नेटो और रूस की जंग छिड़ जाएगी। दुनिया की दो महाशक्तियां एक दूसरे से टकराएंगी। एक ऐसी जंग छिड़ेगी जिसका कोई दायरा नहीं होगा। ना ये जंग यूक्रेन में सिमटेगी और ना ये जंग यूरोप में सिमटेगी। इस जंग की चपेट में पूरी दुनिया आएगी और ऐसा सर्वनाश होगा जिसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। पुतिन तो पहले भी कह चुके हैं कि रूस की संप्रभुता की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और खबर तो यह है कि रूस महीनों से परमाणु जंग लड़ने की तैयारियों में लगा हुआ है।